तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ देश व मातृभूमि का एकमात्र ऐसा संघ है जो कोई भी काम सुबह शुरू करने से पहले मातृभूमि की वंदना करता है। एक विश्वास संघ का कि देश की उन्नति समाज से ही संभव है। अपने विचारों और कार्यों से हम राष्ट्र योगदान कर सकते हैं। हिंदुत्व का एक मात्र आधार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। संघ का हर स्वयंसेवक इतना सक्षम है कि वो स्वयं समाज का नेतृत्व कर सकता है, चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। संघ का विश्वास है और सिद्धांत है कि हिंदू एक जीवन शैली है जिसपे हमें गर्व होना चाहिए। योग, श्लोक, सामाजिक और सांस्कृतिक जिसका आधार है। क्योंकि हम सब पर सिनेमा जगत काफी हावी रहता है, आज आपको एक किस्सा फिल्म जगत के सुपर मॉडल का सुनाते हैं, जिनका परिवार यानी माता पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिस्सा थे। तो बचपन में उनका जीवन अनुशासन युक्त रहा। बॉलीवुड की जानी मानी शख्सियत के पिता आरएसएस से जुड़कर काम करते थे, पर इस युवा मॉडल को गर्व महसूस हो नहीं रहा था। पर धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि इस शाखा में एक वीर की तरह देश और मातृ सेवा का भाव है, ना कि किसी पर जबरदस्ती थोपने का। इसी तरह एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सेवक ने बड़ी रोचक बात ये बताई कि इस संघ में बड़े से बड़े पद पर तैनात हर सेवक स्वयं को साधारण सा सेवक मानता है। आप जब संघ से जुड़ते हो तो यहाँ के नियम, संघ का संघर्ष, संघ का इतिहास आपको अपने ऊपर गर्व अनुभव करवाता है कि देश की धरोहर, देश का सम्मान, देश की सेवा करने वाले संघ का आप एक हिस्सा है। ये किस्सा इंटरनेट पर उपलब्ध एक साक्षात्कार से लिया गया है और ये किस्सा है बॉलीवुड के सुपर मॉडल रह चुके मिलिंद सोमन का। ऐसे ही रोचक, ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आपके समक्ष लेकर हाजिर और होगा प्रणय मीडिया।